कक्षा छह गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 11.12.1 पहला सवाल उठा ले रहे हैं कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कितने? 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले तो जो दिया है उसको लिख लें, फिर उनके जो प्रश्न हैं ए और बी में दिए हुए हैं, तो पहले तो हल लिखो। जो दिया है 20 लड़कियां और 15 लड़के, फिर आगे ये भी कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, वो तो ठीक है। फिर लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, यानी कि कुल कितना हो जाएगा, 20 और 15, ये कुल में आ जाएंगे, कुल विद्यार्थियों में। तो पहले यहाँ लिख लें जो जो दिया है, तो दिया है लड़कियों की संख्या, संख्या बराबर 20 और लड़कों की संख्या बराबर है 15। अब ये भी एक चीज पूछ रहे हैं, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कौन कहना है, लड़के और लड़कियों को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहां भी निकाल लीजिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 20 धन 15 अर्थात जोड़ने के बाद आ गया है 35। 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35 विद्यार्थी। तो अब ए वाला शुरू करते हैं, तो हल जो शुरू हो गया हमारा, ए लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से क्या अनुपात, तो लिखेंगे ए अनुपात, बस सीधे सीधे अनुपात लिख दो, किसका किसका कर रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, वो यहां पर लिख देंगे। ये अनुपात के लिए ये लाइन बनाई, और क्या है, लड़कियों की संख्या ऊपर ले लीजिए, लड़कियों की संख्या किसे, लड़कों की संख्या से, तो ये लो जी लड़कों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या कितनी है, देख लो, लड़कियों की संख्या अभी अभी लिखा है आपने 20, लड़कों की संख्या लिखी है 15, काट दीजिए, ठीक है, बहुत आसान है। तो 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, यानी कितना आ गया, 4/3, अर्थात 4 और 3 का अनुपात, ये एक निकल आया ए वाला। फिर लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो बी वाला भी इसी में ले लो, बी कह रहे हैं इसमें भी अनुपात निकालना है, किसका किसका निकालना है, ये देख लीजिए, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की, तो यहां पर बना लो जी, ये लड़कियों की संख्या का, तो यहां पर लिखेंगे लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या से निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना था, ठीक है जी। तो ये रहा लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है 20, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 35, ये लीजिए 35, और यहीं पर काट पीट दीजिए, तो 5 का पहाड़ा दोनों में चला जाएगा, तो 5 चौके 20 और 5 7 35, यानी कि 4/7 अर्थात 4 और 7 के अनुपात में है, 4/7, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1। अभी लेते हैं इसी का प्रश्न नंबर 2। दूसरा सवाल ये है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, यानी कि कक्षा है
तीन प्रकार के खेल विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, अनुपात ज्ञात करना है किसका, एक तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से, दूसरा क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। दो प्रश्न है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं जिससे अनुपात निकालने में सीधा हो जाए। तो पहले क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो लिख लो जी, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 30 और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 6। तो फुटबॉल पसंद करने वाले, सब पसंद सब है, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है जी, 6। और क्रिकेट, तो यहां पर लिख लीजिए क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या बराबर है 12, ठीक है। और बाकी टेनिस, तो टेनिस कितने होंगे ये लिख दो, टेनिस इतने पे ही काम चला लो, ठीक है। ये लाइन यहां तक लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उसको घटाना और टाना पड़ेगा। तो टेनिस कैसे निकालेंगे, तो कुल विद्यार्थियों में ये संख्या घटा दो तो टेनिस वाले निकल आएंगे। तो कुल विद्यार्थी हैं 30 में से ये 6 और ये 12 को कम कर दो तो ये जो है कुल निकल आएंगे टेनिस वाले। तो कितना में से हो गया जी, 30 12 6 18 में घटा देंगे तो कुल निकल आएंगे 12, यानी 12 12 और ये 6, इतने जो है हमारे जो है खिलाड़ी हैं अलग अलग। अब हमारा काम शुरू होता है यहां से। सो ए हो गया हमारा, क्या निकालना है, अनुपात ही तो निकालना है। तो यहां लिख लेते हैं अनुपात किसका किससे, तो फुटबॉल खेल पसंद करने वालों का टेनिस वालों से, यानी इसका इससे। तो यहां पर लिखेंगे ये लिखा, फुटबॉल पसंद विद्यार्थी, फुटबॉल थोड़ा शॉर्ट कर दो, पसंद विद्यार्थी कितने हैं, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां टेनिस पसंद विद्यार्थी, टेनिस पसंद यानी टेनिस जो पसंद कर रहे हैं, तो फुटबॉल वाले कितने हैं जी, फुटबॉल वाले हैं 6, टेनिस पसंद वाले हैं 12, तो यहीं पर काट दो, 6 1 कम 6, 6 2 12, अर्थात ये आ गया 1/2। तो अनुपात में लिखेंगे 1:2, ये हमारा जवाब हो गया। अब इसी का बी वाला भी देखते हैं। तो बी वाला ये कह रहे हैं कि क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो ये एक दूसरा अनुपात है, ये अनुपात कैसा है, क्रिकेट प्रेमियों का, तो क्रिकेट प्रेमी विद्यार्थी या क्रिकेट पसंद विद्यार्थी, क्रिकेट प्रेमी विद्यार्थी, और इसका अनुपात किससे है, कुल विद्यार्थियों से, तो कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी से। तो क्रिकेट प्रेमी हैं कितने, देखो जी क्रिकेट प्रेमी हैं कहाँ गया, ये 12, और कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी यहां लिखे हैं वो हैं 30, काटो कहाँ से कटेगा, 6 2 12, 6 5 30, हाँ 6 2 12, 6 5 30, अर्थात 2/5,
अनुपात क्या बना? 2 और 5 का, ये आंसर है। ठीक है, अब इसी का तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा प्रश्न ले रहे हैं कि आकृति को देखकर, ये जो आकृति बनाई गई है, अनुपात निकालिए। ये आकृति है, इस आयत के अंदर बंद है ये आयत। ठीक है जी, अब देखो जी, ये आयत बंद है। अब ये कह रहे हैं कि एक आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या वृत्तों की संख्या से। तो पहले एक काम करते हैं, जो अलग बने क्या क्या है पहले वो अलग लिख लें, तो ये जो हमारा इधर जो प्रश्न आएगा वो उसका जवाब देना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, पहले आयत के अंदर आकृतियां की हैं क्या क्या है, तो हम लिखेंगे हल दिया है। क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या, पहले आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या गिनिए कितनी है। आयत के अंदर 1 2 3 त्रिभुज हैं, तो 3 हो गया। फिर वर्ग कितने हैं? 2। तो यहां पर लिखेंगे आयत के अंदर वर्गों की संख्या कितनी है? 1 और 2, ये हो गए 2। अभी वो वृत्त भी है, तो आयत के अंदर ये हो जाएगी, सॉरी, वृत्तों, ठीक है, की संख्या। वृत्त कितने हैं? 1 और 2, 2 है, ये हो गया। अब कुल आकृतियां भी लिख लीजिए जिससे उसका भी काम खत्म हो जाए। तो आयत के अंदर कुल कुल कितनी हो जाएगी? तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 3 7, ठीक है, ये हो गया, ये हमारी हो गई। अब जो है हमारा शुरू करते हैं प्रश्न ए वाला लिख लेते हैं। ए में अनुपात लगाइए, और किसके किसके बीच में बोल रहे हैं? आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो लिखिए जो बोल रहे हैं, यहां पर लिखना है त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या किससे? वृत्तों की संख्या से। ये वृत्तों की संख्या से, ये जगह है, अपन इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या देखो जी कितना लिखे हो, त्रिभुजों की संख्या 3 लिए हैं, और वृत्त कितने लिए हैं? वृत्त वृत्त हैं 2। तो ये 3/2, अर्थात कितना आ गया? 3/2। ये एक पहला एक पहले ए का सवाल लिख जवाब मिल गया। तो बी वाले को भी निकाल लो, बी में क्या अनुपात ले रहे हैं? बी में अनुपात ले रहे हैं, देखो, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या, तो लिखो पहले वर्गों की संख्या, वर्गों की, सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों की संख्या से। सभी लिखने की जरूरत नहीं, क्या? हाँ जी, सभी आकृतियां, कुल आकृतियों से, सभी माने कुल आकृतियों से, कुल आकृतियों की संख्या। तो जी वर्ग कितने हैं देख लो, वर्ग है 2 और कुल आकृति है 7, तो इनका अनुपात निकलेगा 2 और 7 का। ठीक है, ये हो गया बी। अब इसी में सी ले लो, ये रहा, इसमें क्या अनुपात ले रहे हैं? इसमें ले रहे हैं, ये पहले तो लिया, इसके अंदर आयत के अंदर सभी वृत्तों का, सभी आकृतियों, सब तो लिखो, वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या
का सभी आकृतियों की संख्या से, ऐसा लिख लो चाहे, सभी आकृतियों की संख्या। तो ठीक है, वृत्त कितने हैं देखो जी, ये है वृत्त दो, सभी आकृति कितनी है सात, तो इनका भी निकल आया 2:7। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर हुआ 3। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान रखना ये क्या किसकी बात हो रही है, चली गई दूरी और चाल। चाल समझ में आ रहे हैं, शब्द पकड़ में आ रहे हैं। वो एक जगह ये कह रहे हैं 1 घंटे में चली गई दूरियां दी हैं, और वो कह रहे हैं वहां चाल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो चाल की परिभाषा क्या है, अगर विज्ञान आपने ध्यान से पढ़ी हो तो चाल क्या होता है, इकाई समय में चली गई दूरी, और यहाँ पर इकाई समय दे रहे हैं घंटा। ठीक है ना, तो इकाई समय में चली गई, और चाल को लिखेंगे इकाई में जो इकाई दी गई है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका हल कर रहे हैं कि हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनकी रखने हैं हामिद और अख्तर की चाल। अब सब ध्यान रखना है, यहाँ पर दूरी की जगह अब हम लिखेंगे चाल का इस्तेमाल करना है, चाल शब्द का। तो हामिद की चाल यहां पर लिखेंगे, हामिद की चाल, अब वहां दूरी नहीं रख रहे हैं क्योंकि 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, इकाई समय में चली गई दूरी, यहां पर क्या है घंटा, तो घंटे के में लिखेंगे। तो हामिद की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ रहे हैं, 1 घंटे में यानी कि 9 किलोमीटर चल रहा है, ये बात समझ पा रहे हैं, यानी चाल की परिभाषा आप दोहरा लीजिए। तो अब यहां पर हामिद हो गया, और अख्तर की चाल कितनी है, अख्तर की चाल, अख्तर कितना चल रहे हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर ये चाहे ऐसे ही लिख रहे हैं प्रति घंटा। तो उनका अनुपात ज्ञात करना है, आसान है। तो अनुपात, अनुपात किसका, हामिद और अख्तर का। यहां लिखेंगे हामिद की चाल का किससे ले लेते हैं, अख्तर की चाल से, अख्तर की चाल। तो हामिद की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इनकी चाल है 12। अनुपात चूंकि शुद्ध राशि है, इसमें घंटा मंडल लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 तिरकाई 9, 3 चौके 12, अर्थात ये आ गया 3/4। तो अनुपात क्या बना, 3 और 4 का ये अनुपात बना, यानी हामिद और चाल की, अख्तर की चालों का अंतर कितना है, 3 और 4 का अनुपात। तो आज 4 4 सवाल लेते हैं, और आगे के सवाल कल के वीडियो में।